उत्तराखंड में शुक्रवार को बद्रीनाथ हाईवे के पास चट्टान खिसकने की वजह से हाईवे बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से करीब 1800 यात्री फंस गए हैं। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हाईवे से मलबे को साफ करने में जुटा है और जल्द ही हाईवे के खुल जाने की संभावना है। उत्तराखंड के विष्णुप्रयाग में पहाड़ खिसकने की वजह से फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासन ने अभी यात्रियों से वापसी यात्रा न करने की अपील की। बीआरओ यानी द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हाईवे से मलबे को साफ करने में जुटा है। डीएम आशीष जोशी ने बहुत जल्द ही हाईवे के खुल जाने की संभावना जताई। प्रशासन हाईवे पर फंसे तीर्थयात्रियों को जरूरी चीजें उपलब्ध कराने में भी जुटा है। देखिए, जैसा अभी आप देख रहे हैं पॉजिटिवली 12:30-1 बजे तक ये रास्ता खुल जाएगा और ये केवल मलबा आया है, कोई रोड वॉशआउट नहीं है, तो इसलिए कोई इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। शुक्रवार को विष्णुप्रयाग में पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया था। हालांकि इससे किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर करीब 100 गाड़ियां दोनों तरफ फंसी हैं। राज्य सरकार के मुताबिक करीब 1800 टूरिस्ट इससे प्रभावित हुए हैं। इससे पहले 2013 में आई बाढ़ और पहाड़ खिसकने की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इस बाढ़ में उत्तराखंड के कई जिलों को तबाह कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।